नमस्कार, मैं निखिल कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और वक्त हो चला है देश की सबसे बड़ी खबरों को बताने का। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज संकल्प एवं सिविल सेवा अधिकारी मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यह कहा कि आज भी अनुच्छेद 370 और कश्मीर को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। उन्हें स्पष्ट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि 1947 से कश्मीर पर चर्चा और विवाद का विषय रहा है, लेकिन अधूरा और अलग इतिहास लोगों के सामने पेश किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर लोगों को संबोधित किया। शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लेकर कई गलत फहमियां थी। कश्मीर को लेकर कभी भी सच नहीं बताया गया। बहुत सारी भ्रांतियां और गलत फहमियां अनुच्छेद 370 और कश्मीर के बारे में आज भी फैली हुई हैं। उनका स्पष्ट होना जरूरी है। जितना स्पष्ट कश्मीर की जनता के सामने होना जरूरी है, उतना स्पष्ट भारत की जनता में भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब देश आज़ाद होता है तो उसके सामने सुरक्षा का प्रश्न, संविधान बनाने का प्रश्न और ऐसे कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, पर हमारे सामने 630 रियासतों को एक करने का प्रश्न आ गया। सरदार पटेल को प्रणाम करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 630 अलग अलग राज्य एक खंड के अंदर समाहित करना और अखंड भारत बनाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम था। आज मैं आदर के साथ देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करके ये बात कहना चाहता हूँ कि वो ना होते तो ये काम कभी ना होता। शाह ने कहा कि सरदार पटेल की ही दृढ़ता का परिणाम था कि 630 रियासतें आज एक देश के रूप में दुनिया के अंदर अस्तित्व रखती है। 630 रियासतों को एक करने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जम्मू कश्मीर को अटूट रूप से अखंड रूप से एक करने में 5 अगस्त 2019 तक का समय लग गया। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि ये राजनीतिक स्टैंड है, उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह हमारा स्टैंड तब से है जब से मेरी पार्टी बनी। यह हमारी मान्यता है कि जब अनुच्छेद 370 था तब देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं था। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हमने इसके खिलाफ बार बार आंदोलन किए। जब तक 370 हटी तब तक 11 अलग अलग आंदोलन हुए, जिसमें मास मोबिलाइजेशन भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने किया। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी और बड़ी ननद मीसा भारती पर उन्हें घर से निकालने का आरोप लगाया है। ऐश्वर्या ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी सास और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा उनकी बड़ी ननद राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ने मिलकर उन्हें घर से निकाल दिया। तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है और दोनों ने ही तलाक के लिए याचिका भी दायर की हुई है। हाल ही में ऐश्वर्या लालू प्रसाद यादव के निवास से रोती हुई भी निकली थी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर घर से धक्का मारकर बाहर निकालने का आरोप लगाया है। उन्होंने सास राबड़ी देवी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि आज उन्हें खाना तक नहीं दिया गया। ऐश्वर्या ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि सास और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा बड़ी ननद व राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ने मिलकर उन्हें घर से निकाल दिया। इस शिकायत के आधार पर हेल्पलाइन की अधिकारी परमिला ऐश्वर्या के माता पिता सहित परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में जांच के लिए पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पहुंची। रविवार दोपहर राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। लालू प्रसाद यादव की बहू और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय राबड़ी आवास से बाहर निकली और वहां उनके पिता चंद्रिका राय और माँ भी मौजूद थे। इसके बाद ऐश्वर्या ने बताया कि राबड़ी देवी ने उन्हें धक्का देकर घर से निकाल दिया है। उन्होंने मीसा भारती पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें रसोई में प्रवेश नहीं दी जाती थी, उन्हें रात से खाना तक नहीं दिया गया। आज भी जब उन्होंने रसोई की चाबी मांगी तो ननद मीसा भारती और सास राबड़ी देवी ने दुर्व्यवहार किया, फिर घर से निकाल दिया गया। उनसे एक वीडियो छीनने की भी कोशिश की जो उन्होंने तलाक के मुकदमे में सबूत के लिए बना रखा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऐश्वर्या का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपनी सास और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकलते दिखी थी और बाहर खड़ी अपने पिता की गाड़ी में बैठ गई थी। वीडियो में उनकी आंख से आंसू निकलते भी देखा गया था। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज किया है।
तलाक के मुकदमे के बावजूद भी ऐश्वर्या राय अपनी सास राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर रह रही थी। इससे पहले भी 14 सितंबर की दोपहर ऐश्वर्या राय अचानक राबड़ी आवास से रोती हुई निकली थी। घर से निकलने के बाद वह अपने पिता की गाड़ी में बैठकर मायके चली गई। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों परिवार के संबंध दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर चेतावनी दी है। INS विक्रमादित्य पर सवार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए एक उपकरण के रूप में आतंकवाद का उपयोग करता है। हम 26/11 को नहीं भूल सकते हैं और अगर कोई चूक भी होती है तो उसे दोहराया नहीं जा सकता। हमने नेवी और कोस्ट गार्ड हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रमादित्य पर सुरक्षा कर्मियों के साथ योग किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 26/11 हमले को कभी नहीं भूल सकता। हमने जो पहले गलतियां की है उसे अब नहीं दोहराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं पर आतंकी हमले का खतरा आज भी बरकरार है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि साजिश के पीछे एक पड़ोसी मुल्क की साजिश है। वो भारत को अस्थिर करना चाहता है लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। INS विक्रमादित्य पर योग करने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत 26/11 के आतंकी हमले को नहीं भूल सकता। उन्होंने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि मुंबई हमले के दौरान जो चूक हमने की थी उसे फिर नहीं दोहरा सकते हैं, इसलिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड हमेशा अलर्ट और सतर्क है। समुद्री खतरे पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि दुनिया के हर देश को पर्याप्त सुरक्षा रखनी होती है। हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पड़ोसी मुल्क का सवाल आता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत को अस्थिर करने के लिए वो नापाक हरकतें करता रहता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे के बारे में उन्होंने कहा कि किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर आतंकी यहाँ आते हैं तो उनका अंजाम क्या होगा। गौरतलब है कि शनिवार को पनडुब्बी खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। पनडुब्बी INS खंडेरी के बेड़े में शामिल होने से नौसेना को बड़ी ताकत मिली है। INS खंडेरी भारत की दूसरी स्कॉर्पियन वर्ग की मारक पनडुब्बी है जिसे P-17 शिवालिक वर्ग के युद्धपोत के साथ नौसेना में शामिल किया गया। INS खंडेरी के नौसेना में शामिल होने से नौसेना की क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। INS खंडेरी में 40 से 45 दिनों तक सफर करने की क्षमता है। मुंबई के समुद्र और तट की रक्षा के लिए नौसेना की दूसरी सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी में तट पर रहकर करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के जहाज को नष्ट करने की क्षमता है। समुद्र की गहराई में 2 साल के परीक्षण के बाद खंडेरी को नौसेना को सौंपा गया है। खंडेरी भारत समुद्री सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। जाते जाते मानसून अब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और अब ये काफी ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक करीब 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा लोग लगातार बारिश से मारे जा रहे हैं। राजधानी की घटना और सड़कों पर अन्य क्षेत्र में भी जल भराव हो गया है और कम से कम मंत्रियों के घर भी पानी से गिर गए हैं और डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य सरकार ने कहा कि 25 लोगों की मौत शनिवार को हुई, वहीं 10 लोगों की शुक्रवार को जान चली गई। मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार बारिश के कारण घर गिरने, पेड़ गिरने तथा सांप के काटने के चलते लोगों की मौत हुई। कच्चे मकानों के गिरने के अलावा दीवार गिरने के कारण भी लोगों की मौत हुई है। बयान में कहा गया है कि वर्षा जनित इन हादसों में 5 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में अधिकारियों ने बताया कि हिमालयी तीर्थस्थल हेमकुट साहिब जा रहे पंजाब के 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जब तिहाई जिले में एक बड़ी चट्टान उनके वाहन पर गिर गई। भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की वजह से ये चट्टान गिरी। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 लोगों की मौत की खबरें आई, जबकि जम्मू कश्मीर में भी 1 व्यक्ति की मौत हुई। बिहार में शुक्रवार से हो रही लगातार भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और इसके चलते रेल यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं स्कूल प्रभावित हुए हैं। पटना शहर स्थित उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निजी मकान, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के आवास निर्जन द्वीप जैसे प्रतीत हो रहे थे।
मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक शहर में भारी बारिश होने का अनुमान जाहिर किया है। पटना जिला प्रशासन ने मंगलवार तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर और गर्दनी बाग अस्पताल के परिसर में जल जमाव हो गया। जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने संवाददाताओं से कहा, राजेंद्र नगर और एसके पुरी जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बारिश से उत्पन्न स्थिति की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बिहार में 12 स्थानों पर शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने पूर्वानुमान जताया कि बिहार के अधिकतर इलाकों में अगले 48 घंटे तक मध्यम से भारी बारिश होगी और स्थिति 3 अक्टूबर के बाद सामान्य होगी। भारतीय मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि ने अगले 48 घंटे के पूर्वानुमान में बताया कि मध्य बिहार, पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार एवं दक्षिणी पूर्वी बिहार में वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद स्थिति में सुधार होगा और 3 अक्टूबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। बैठक में मौजूद आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भी मुख्यमंत्री को पूरी स्थिति से अवगत कराया और आपदा प्रबंधन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को 15 अक्टूबर तक विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भारी बारिश से जमीन धंसने के कारण धनबाद मंडल के दिलबाग नाथगंज पर अपलाइन एवं डाउनलाइन पर परिचालन कुछ घंटे के लिए प्रभावित रहा। इसके अलावा भी कुछ ट्रेन रद्द की गई, कुछ को आंशिक रूप से रद्द किया गया और कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया। राजस्थान के उदयपुर जिले में शनिवार को एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने की घटना में कम से कम 3 छात्रों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना सुबह उस वक्त हुई जब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थोबवाड़ा में बच्चे कक्षा में पहुंचे। ये स्कूल तरहटी में स्थित है और कल रात अत्यधिक बारिश के कारण यहाँ जल भराव हो गया था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर किरंदई थाना अंतर्गत घनसौर केदारपुर रोड पर शुक्रवार रात फंते नाले को बाइक से पार कर रहे एक पुलिस आरक्षक सहित 3 लोगों की इसमें गिरने से मौत हो गई। तीनों मृतकों के शव पुलिस को शनिवार सुबह घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर मिले। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 22 वर्षीय महिला पर बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। जम्मू प्रांत के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते जलभराव और यातायात जाम के कारण शनिवार सुबह जनजीवन बाधित हो गया। बहरहाल बारिश से किसी तरह के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी झेल रहे शहर के लोगों के लिए बारिश राहत लेकर आई है। मौसम कार्यालय ने 1 अक्टूबर तक क्षेत्र में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण जल स्रोत भरने के चलते निचले इलाकों में मकानों और दुकानों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को दिक्कतें हुईं। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नदियों के मुहाने पर बने कुछ अवैध इमारतों को अचानक पानी का प्रवाह बढ़ने के कारण नुकसान पहुँचा है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू प्रांत के अन्य जिलों से भी भारी बारिश की खबरें प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शनिवार को हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम के अधिकतम तापमान में औसत से 2-3 डिग्री की गिरावट आई। इस बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश के बाद कृष्णा नदी फिर से उफान पर है। नतीजतन आंध्र प्रदेश में पहले से ही भरे हुए बांधों के जलस्तर और बढ़ गए। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और सप्ताहांत में राज्य के सौराष्ट्र कच्छ इलाके में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तंबाकू के सेवन और ई सिगरेट के गंभीर मुद्दों पर भी बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्हें देशवासियों को नवरात्रि, गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, भैयादूज, छठ पूजा सहित बहुत सारे त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तंबाकू के सेवन और ई सिगरेट के गंभीर मुद्दे पर भी बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने देशवासियों को नवरात्रि, गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा सहित सभी को आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में तंबाकू का जिक्र करते हुए लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि तंबाकू कई जानलेवा बीमारियों को जन्म देता है। तंबाकू से दिमाग का विकास प्रभावित होता है, सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा
कि हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसमें भी नुकसानदायक केमिकल होते हैं और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। पीएम ने युवाओं से ई सिगरेट से दूर रहने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि तंबाकू का नशा स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है और इस व्यसन को छोड़ दें। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू की लत स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और इस लत से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वे कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ई सिगरेट के बारे में गलत धारणा पैदा की गई है कि इससे कोई खतरा नहीं है, जबकि सामान्य सिगरेट से अलग ई सिगरेट में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल युक्त धुआं बनता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। पीएम मोदी ने देशवासियों से आने वाले 2 अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए शुरू होने वाले अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि बापू की 150वीं जयंती पर स्वच्छता का संकल्प लें और सिंगल यूज प्लास्टिक से आज़ादी का संकल्प लें। पीएम मोदी ने कहा, त्योहारों का असली आनंद तभी है जब ये अंधेरा छटे, उजियारा फैले, हम वहाँ की खुशियाँ बांटे जहाँ अभाव है और यह हमारा स्वभाव भी हो। कम से कम हमारे घरों में जो अधिकता में है ऐसी चीज़ों को जरूरतमंदों को जरूर दें। क्या इस बार त्योहारों के सीजन में पूरी जागरूकता और संकल्प के साथ इस चिराग तले अंधेरे को मिटा सकते हैं? कई गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान त्योहार पर आपकी खुशियों को दोगुना कर देगी, आपकी दिवाली और रोशन हो जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम का ये दूसरा संस्करण था। इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 पर अपने विचार रखे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का संकल्प लेने की अपील की थी। बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर भारत सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रहा है। देश की सबसे बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।